नमस्कार फ्रेंड्स, रात को जो हैबिट्स है वो हैबिट्स कल डिसाइड करता है, कल ही नहीं है जिंदगी भर ये हैबिट्स ना आपको अच्छा लाइफ देता है। इसलिए नाइट हैबिट्स, सेवन नाइट हैबिट्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर देविका भटनागर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हिंदी स्पीकिंग वाले बहुत लोग हमारा चैनल में आके बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, सबके सबको मेरी नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, सात हैबिट्स कौन सा है? अगर आपको ये हैबिट्स नहीं हो तो आज से आप इनकलकेट करेंगे, आप ये आदतें शुरू करेंगे आपको, ठीक है ना? नोट करके रखिए। फर्स्ट वाली आदत है, फर्स्ट हैबिट है अर्ली डिनर, जल्द से जल्दी खाना खाना अच्छी बात है। रात को जल्दी से खाना, जल्दी मतलब क्या है मैडम, कौन सा टाइम में खाना है? 7 बजे, 8 बजे मैक्सिमम, या 7:30 या 8:30 बजे डेडलाइन है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, डिले नहीं करना चाहिए। अर्ली डिनर जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी, आपका लाइफस्टाइल भी देखिए, आप कितने बजे को घर को आ रहे, कौन सा टाइम पे खाना बन रहा है, पूरा थोड़ा सा देखिए, 8:30 डिसाइड कर लीजिए। सो अर्ली डिनर, और डिनर में क्या खाना चाहिए हमेशा याद रखिए, डिनर जितना हल्का हो उतना अच्छा हेल्थ के लिए, डाइजेशन पावर कम रहता है, रात का टाइम सो जाते हैं ना हम, इसलिए। तो क्या करना है, लाइट खाना, लेस स्पाइसी, लेस ऑयल, लाइट खाना, थोड़ा क्वांटिटी भी कम खाना अच्छा है। एंड दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए रात का टाइम में, ये याद रखिए। सेकेंड हैबिट है नाइट वॉक, खाना खाने के बाद 15 मिनट से आधा घंटा तक गैप रख के नाइट वॉक को जाइए। सेकेंड हॉबी, नाइट वॉक मैं जाती हूँ डेली, थोड़ा सा 15 मिनट से 20 मिनट या कम से कम आधा घंटा आराम से टहल लीजिए, पूरा फैमिली को लेके जाइए साथ में, खाना खा के सब जने निकल पड़िए, अच्छा आराम से गपशप मिला सकते हैं, स्क्रीन ये वो सब छोड़ दिया, शांति से थोड़ा घूम के आइए, उससे क्या खाना नीचे भी चले जाता है। तो इसलिए नाइट वॉक मैं सजेस्ट करूँगी 15 मिनट से 20 मिनट तक कम से कम डेली। इसके बाद थर्ड हैबिट है ब्रश योर टीथ, नाइट वॉक करके आने इमिडिएटली ब्रश करने के लिए चले जाइए, इमिडिएटली, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। तो ब्रश योर टीथ, क्यों ब्रश का ब्रश को टीथ का ब्रश करना है टीथ को, इसलिए कि ओरल हाइजीनिक रहता है, डेंटल प्रॉब्लम्स आता ही नहीं, डेंटिस्ट के पास कभी जाने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 बार ब्रश कर लियो तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, डेंटल प्रॉब्लम्स आपको टच नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। इसलिए आप रात को नाइट वॉक करने को इमीडिएटली जाके 2 मिनट ब्रश करके पूरे मुँह को साफ कर लीजिए। तीसरा फोर्थ वाला हॉबी है प्लानिंग फॉर टुमारो, कल के लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए, कब कितने बजे को उठना है, क्या काम है, कल कौन सा कपड़े पहनना है, थोड़ा निकाल के रख लीजिए और सिस्टमेटिकली थोड़ा माइंड में प्लानिंग करिए, लिख के रखिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए, कल उठते उठते मैं एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगी, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज पक्का करना ही है, ऐसा कुछ ना कुछ आप हेल्थ रिलेटेड एक हॉबी तो रखिए आप, इसके बाद जो करना है शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए। इससे क्या होगा, आपको मॉर्निंग उठते उठते बिल्कुल टेंशन है, ऑलरेडी आपने प्लानिंग कर लिया, तो वो वाला आदतें करें, प्लानिंग फॉर टुमारो। एंड फिफ्थ वाला हैबिट है नाइट मेडिटेशन और योग निद्रा, रात का समय में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से कम 5-10 मिनट बस से ज़्यादा नहीं, मेडिटेशन करने से क्या होगा, सारा दिन जो हो गया है उसको हम भूल जाएंगे, शांत रखेंगे बॉडी को, माइंड को पूरा रेस्ट करके कूली आप अपना ज़िंदगी बिता सकते, नींद भी अच्छा आ जाती है। हमारा चैनल में योग निद्रा है और मिडनाइट मेडिटेशन भी है, वो फॉलो कर लीजिए, मेक ए हैबिट, इससे शांति लगेगा आपको। और सिक्स्थ वाला हैबिट है स्क्रीन्स अवॉइड करना, कौन सा स्क्रीन से, एक तो टीवी है, कंप्यूटर और सेलफोन, ये तीनों अवॉइड करिए, कम से कम 1 घंटा पहले अवॉइड करिए। सपोज 10 बजे सोने वाले हो, 9:00 बंद, बिल्कुल बंद, खोलना ही नहीं चाहिए, तो क्या करना मैडम, 1 घंटा क्या करूँ मैं, स्क्रीन से बहुत आदत हो गई, बताती वो भी। अगर ऐसा टाइम में आप अपना फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और मैं तो मैक्सिमम फैमिली के साथ बिताऊँगी और सोने से पहले गाने सुनूँगी मैं, गाने जैसे मोहम्मद रफ़ी जी का हो, लता मंगेशकर जी का, कुछ ना कुछ पुराने गाने, एकदम पुराने गाने सुन के सुनते सुनते आराम से सो जाते हैं, वो क्या करता है नींद को अच्छा एंकरेज करता है, अच्छा सूदिंग नींद आ जाती है, साउंड स्लीप।
वही स्क्रीन पकड़े तो उसमें जो ब्लू कलर रेस है ना, वो माइंड को, आंखों को डिस्टर्ब करता है, वो नींद आने में थोड़ा तकलीफ होता है। सो इसलिए स्क्रीन्स को अवॉइड करके गाने सुनना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट वाला 7th पॉइंट है अर्ली टू बेड। हमने अर्ली डिनर से शुरू करा, लास्ट हॉबी अर्ली टू बेड, जितना जल्दी हो सके तो, मतलब 10 बजे 10:30 बजे तक सोने की कोशिश करिए। नींद नहीं आती मैडम, डोंट गिव मी कंप्लेंट, आदत करने से होता है। जल्दी डिनर कर लिया, थोड़ा फैमिली के साथ गपशप कर लिया, वॉकिंग भी कर लिया, नाइट मेडिटेशन कर लिया, क्यों नहीं आता? आदत करने से हो ही जाता है रात को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जल्दी सोने के लिए अपना बेडरूम चेक करिए, अच्छा नेट धुला हुआ चादर और तकिया का कवर हो या कर्टन्स हो, बेडरूम टेम्परेचर ये पूरा चेक करिए, नीट हो, टेम्परेचर ठीक हो, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। तो इतनी सी है ये हॉबीज। एक बार रिकैप दे दूँ, फर्स्ट वाला अर्ली डिनर, नेक्स्ट नाइट वॉक, नेक्स्ट ब्रश योर टीथ, एंड कल के लिए प्लानिंग, प्लानिंग फॉर टुमारो, एंड अवॉइड स्क्रीन्स, नाइट मेडिटेशन करना है या योग निद्रा करना है, अर्ली टू बेड, बस इतनी सी है। और एक आदत बता दूँ, बहुत सारे लोग, ग्रेट लीडर्स, बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ लाइफ में कुछ अचीव करा ऐसा लोगों का आदत है पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ना, बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट, मैं कहना चाहती हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छे किताबें हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, 15-20 मिनट या आधा घंटा निकाल के आप पढ़ लीजिए, नींद भी अच्छा आ जाता है, पुस्तक पढ़ने से माइंड भी ट्यूनिंग हो जाता है, बस इतनी सी है। इसमें से सात में से कौन सा हैबिट्स आपको नहीं है, आदत आज आज से करने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लिखने से आपका माइंड ट्रिगर करता है कि आपने लिख दिया, फॉलो होना है, इजंट इट? ऐसा ही है ना? तो आप सबका प्यार के लिए धन्यवाद दोबारा, और एक अच्छे टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते हुए अच्छा ज़िंदगी आराम से बीतिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।